गुरुदेव हमें बताइए कि हम जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं और अपने मन को कैसे शांत रख सकते हैं। प्रिय शिष्यों, जीवन का सच्चा मार्ग आत्मज्ञान और आत्मसंयम में है। मैं तुम्हें भगवद गीता का एक श्लोक सुनाता हूँ जो इस विषय पर गहन शिक्षा देता है। योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ओस हे धनंजय, कर्म योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में इसमें समान बुद्धि से कर्म करो, ये समत्व योग कहलाता है। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें अपने कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। गुरुदेव, लेकिन फल की चिंता किए बिना कैसे संभव है? हम हमेशा परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। जब हम अपने कार्य में मन लगाते हैं और परिणाम की परवाह नहीं करते, तब हमारा मन शांत रहता है। विनय, यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं। ध्यान और अभ्यास से हम इसे सीख सकते हैं। जब हम अपने कार्य को भगवान का अर्पण मानकर करते हैं तो परिणाम की चिंता अपने आप ही कम हो जाती है। मैं तुमको श्लोक सुनाता हूँ, ज्ञानेन्तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मन् तेषां आदित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। गुरुदेव, इस श्लोक का अर्थ क्या है? जिनका अज्ञान आत्मा द्वारा नष्ट हो गया है, उनके ज्ञान से परम सत्य प्रकाशित होता है, जैसे सूर्य के उदय से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जब हमारे मन का अज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तब हमें सच्ची शांति और खुशी मिलती है। ज्ञान हमें सच्चाई की ओर ले जाता है और यह सत्य ही हमें सच्चा आनंद और शांति देता है। वे समझ गए कि सच्ची खुशी और शांति केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान और आत्मसंयम से ही प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ ने अपने शिष्यों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया और उन्हें भगवद गीता के ज्ञान से परिपूर्ण किया। आश्रम के सभी शिष्य अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हुए सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हुए।